अलग अलग फोटो मार तू। ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सर बोलिए सर। मिश्रा जी, एप्लीकेशन एक एक। अरे तो बाइट कहाँ ले रहे हैं? रुको ना, बात ऑफ रिकॉर्ड बात करो। मिश्रा जी, ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। क्या उम्मीद है आज? ऑर्डर होगा, देखते हैं जी। आप भी यही, हम भी यही। जी जी, ठीक है, पता कैसे चलेगा। बिल्कुल आयो। अरुण भाई इकड़े बघा। तरुण जी, क्या एक्सपेक्टेशन है आज? जस्टिस विल बी डन टू तुनिशा, दैट्स व्हाट वी वांट टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट द कोर्ट डिसाइड इट। ऑल वांट जस्टिस फॉर तुनिशा। फोन करता हूं, वो तो ऑटोमेटिक 14 दिन बढ़ते रहेगा। अलाउ नहीं आते इधर से। अलाउ इधर से नहीं आया हाई कोर्ट, इधर से तो हम पॉजिटिव है। तुम इधर से अलाउ करा देगा तो फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में आपको तनिशा शर्मा के न्यू बॉयफ्रेंड अली के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तनिशा शर्मा केस में काफी सारे ट्विस्ट आए हैं और अब एक और ट्विस्ट का सामना है। जी हाँ, जहाँ तनिशा शर्मा केस में शजान खान की गर्लफ्रेंड को काफी इम्पोर्टेंस दी जा रही थी और शजान खान की गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स और शजान खान की गर्लफ्रेंड के बारे में काफी सारी डिटेल्स आपको बता चुके हैं, आज बात करेंगे तनिशा शर्मा के बॉयफ्रेंड की। जी हाँ, तो आप सब जानते हैं कि शजान खान और तनिशा शर्मा तनिशा के सुसाइड से 15 दिन पहले ब्रेकअप कर चुके थे और दोनों अपनी अपनी लाइफ में जहां मूव ऑन हो चुके थे। जहां शजान अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बना चुके थे, वहीं तनिशा भी कुछ पीछे नहीं थी और उन्होंने भी टिंडर ऐप ज्वाइन कर ली थी और वो वहां पर अपने लिए परफेक्ट मैच ढूंढने लगी थी। टिंडर पर ही उन्हें एक अली नाम का लड़का मिला था जिसके साथ वो कॉन्टेक्ट में थी और वो उसके साथ ही डेट करने लगी थी। तनिशा शर्मा अली को डेट कर चुकी थी। तनिशा शर्मा अली से 2-3 दफा मिल भी चुकी थी और साथ साथ उनसे कॉन्टिन्यूसली फ़ोन पर कनेक्टेड थी, फ़ोन पर कंटिन्यूसली बातचीत होती रहती थी। और यही नहीं, तनिशा शर्मा एक दिन अली से जब मिलने गई तो उन्होंने अली के फ़ोन से ही अपनी मॉम को भी कॉल की थी और इस वीडियो कॉल में उन्होंने अली को इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी मॉम से भी। ये सब कोर्ट में बताया जा रहा है और कोर्ट में तनिशा शर्मा के बारे में ये भी बताया गया कि अपनी सुसाइड से 15 मिनट पहले वो अली से ही वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी और कैसी बात हो रही थी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बात यही बताई गई है कि तनिशा शर्मा अपनी सुसाइड से 15 मिनट पहले अली नाम के लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और अली उनको टिंडर डेटिंग ऐप से मिले हैं और वहीं से वो उनको डेट कर रही थी। 21 से 23 दिसंबर के बीच काफी सारी दोनों ने बातें की, दोनों क्लोज आने लगे थे, दोनों डेट कर रहे थे और तनिशा अपनी मॉम से भी अली को इंट्रोड्यूस करवा चुकी थी। अब तनिशा शर्मा की मदर इस बारे में क्या स्टेटमेंट देती हैं और क्या वो अली को जानती हैं, क्या उन्होंने अली से बात की थी, ये वही बता सकती हैं। लेकिन अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको ये बता रहे हैं कि जहां शजान खान की गर्लफ्रेंड को लेकर मिस्ट्री थी वो सॉल्व हुई और अब तनिशा शर्मा के न्यू बॉयफ्रेंड को लेकर भी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है और आप तनिशा की सुसाइड को किस तरह देखते हैं? क्या वो एक सिंपल सुसाइड केस है या वो मर्डर केस है या उनको किसी ने प्रोवोक किया? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।